गिनी हाथ दिखाओ। गिनी? गिनी क्या हो? गिनी? क्या हुआ? बोलो क्या क्या हुआ? फोन फोन किसका फोन? किसका फोन आया गिनी? ढाबे पे आग लगी। कुछ नहीं होगा गिनी, कुछ नहीं होगा गिनी, कुछ गिनी अपने आप को संभालो। गिनी कुछ नहीं होगा, मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। ढाबे को कुछ नहीं होगा। चलो मेरे साथ, उठो उठो उठो, चलो। आदि और गिन्नी इस वक्त कहाँ जा रहे? इस गिन्नी ने ना आदि को जोरू का गुलाम बना के रखा है। अरे बाहर जाना है तो जाओ, पर चंगी तरह तैयार होके तो जाओ ना। इस तरह से जलों से तरह थोड़ी जाया जाता है। अमोन रुक। जी मैडम। पानी भर के ला। जी। और सुन, ये दोनों कहाँ गए भाई? मैम गिन्नी मैम को कॉल आया था, ढाबे पर आग लगी हुई है। जा तू। आग लगी है? खैर सानू की, लेकिन ये आदि को वहाँ क्यों लेके गई है? वो आदि कोई फायर ब्रिगेड है जो वहाँ जाके आग बुझा देगा। खैर टापे पे आग लगी है तो वड्डी आग ही होगी। चलो जी टापे का स्यापा भी खत्म। क्या बोल रहे हो? आग लगी है, रब ना करे ज्यादा नुकसान हुआ हो। हमें जाना चाहिए वहाँ पे। बचाओ। मम्मी जी, गुलाबू जी कहाँ हैं? मम्मी तो अंदर ही। मैं बड़ी मुश्किल से बच्चों को बचा के लाया। गुलाबू जी, किन्नी किन्नी क्या कर रही हो? गुलाबू जी अंदर आ चुके थी। किन्नी ऐसे किन्नी ऐसे हम गुलाबू जी को नहीं बचा पाएंगे। तुम काम डाउन। गुलाबू जी तुम क्या बोल रहे हो? गुलाबू जी, किन्नी मेरी बात सुनो। तुम्हें यहाँ रहना होगा, हमें से कोई एक ही जा सकता है। मैं जाऊंगा अंदर। नहीं नहीं आदित्य जी, मुझे ढाबे का कोना कोना बताया। आप यहाँ रुको। गुलाबू जी, किन्नी किन्नी बहस करने का टाइम नहीं है। डिम्पी चैंपी के साथ भी तो यहाँ रहना है ना। तुम यहाँ डिम्पी चैंपी के साथ रहोगी, मैं गुलाबू जी को लेकर आऊंगा। आई प्रॉमिस। किन्नी मेरी आंखों में देखो, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारी मोम को बाहर सही सलामत लेकर आऊंगा। लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा किन्नी, तुम अंदर नहीं आओगी। किन्नी प्रॉमिस। प्रॉमिस मी, तुम अंदर नहीं आओगी। किन्नी वादा करो तुम अंदर नहीं आओगी। कुछ भी हो जाए, कुछ भी, तुम ये लाइन क्रॉस नहीं करोगी। मैं गुलाबू जी को सही सलामत बाहर ले आऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस। टिम्बी चैंपी का ध्यान रखना। गुलाबोजी, खैरपा कोई अनहोनी ना हो जाते। क्यों आया? अंबर जी गिन्नी के ढाबे पे आग लग गई है। क्या? छेती चलो उन तो चलो। आदित्य जी, गुलाबोजी, छोड़ो। Thank you.
कुछ भी हो जाए तुम ये लाइन क्रॉस नहीं करोगे। मैं गुलाबू जी को सही सलामत बाहर ले आऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। सॉरी आदित्य जी। मना किया था ना अंदर आने से, तुम क्यों आई हो अंदर? आदित्य जी ड्रामा चल रहा है, आग में आप फंसे, मैं गुलाबों जी फंसे हुए, मैं क्या खड़ी रहती देखती, आप मुझे नहीं जानते क्या? गुलाबों जी किन्नी शट अप, तुम्हें जानता हूँ इसलिए तुम्हें कसम दी थी, वादा दिया था। किन्नी क्या कर रही हो, हम ढूंढ लेंगे गुलाबों जी को लेकिन तुम काम डाउन हो जाओ। सॉरी आदित्य जी, आपका आपका एक वादा तो टूट गया पर गुलाबू जी को सेफली बाहर ले जाने वाला वादा नहीं टूटेगा। गुलाबू जी, गुलाबू जी, इतनी आग तुम ठीक हो बेटा? आदि गिन्नी कहाँ है, वो हमसे पहले यहाँ आए थे ना। आंटी जी, दीदी और जीजू अंदर गए हैं। लेकिन अंदर क्यों गए हैं, पागल है वो? मम्मी जी नू लेने, मम्मी जी अंदर है। गुलराज जी, अरे फायर ब्रिगेड को फोन लगाया। गिन्नी आदित्य और मेरी प्यारी सासू माँ, अब आपको कोई नहीं बचा सकता। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे तीनों दुश्मनों से मुझे ऐसे छुटकारा मिलेगा। इस आग की लपटों ने जो मेरे दिल को ठंडक पहुंचाई है मैं बता भी नहीं सकती। चलो अब चल के आग बुझाने की कोशिश करने का ड्रामा करना पड़ेगा, जिससे किसी को शक भी ना हो ना मेरे ऊपर। मैं आपकी तस्वीर को कुछ नहीं होने दूंगी। आपकी तस्वीर को कुछ नहीं होने दूंगी। गुलाबू जी चलो, चलो गुलाबू जी चलो। किन्नी, मम्मी जी, पुत्र, तुम आ गए। साड़ा, साड़ा ढाबा जल गया। किन्नी, सारी दुनिया जल गई, तेरे पापा जी का विरसा जल गया। तेरे पापा जी की तस्वीर को जलने नहीं दिया मैंने, कुछ नहीं होने दिया। हाँ गुलाबू जी, कुछ नहीं होने दिया, पापा जी की तस्वीर सही है। मेरी बुढ़ी हड्डियों को आग लग जाती, मैं मर जाती, मैं जिंदगी, मेरी ये जिंदगी देख ली है तूने।
दुनिया देख ली है, मैं जीत चुकी हूँ। मेरे दोनों बच्चे मुझे बचाने के लिए बहुत मौत के मुंह में चले गए हैं। अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं वैसे ही मर जाना है। क्यों आई अंदर गिनी? मैंने बाहर भेजा था ना तुम्हें। आप क्यों नहीं आए? इसलिए मैं आ गई आपके पीछे। चलो गिनी, मैंने कहा था ना मत आओ अंदर। क्यों आई? आप क्यों नहीं आए? इसलिए मैं आपके पीछे पीछे चली आई। और वैसे भी आपने सबको बाहर भेज के अपना वादा पूरा कर दिया ना, तो मैं आ गई आपका साथ निभाने के लिए। नहीं, ये कोई वक्त है? ये कोई जगह है साथ निभाने का? ये वक्त और जगह नहीं है साथ निभाने की। तो फिर आप क्यों आ गए इस मौत के कुएं में? पड़े रहना बाहर। अरे मैं आ जाता ना गिन्नी। पर आए तो नहीं ना गिन्नी, कल ही नहीं जाएगी, जो आएगी तो आपके साथ। किन्नी जाओ यहां से, जस्ट मूव। नहीं आदित्य जी, जब तक आप यहां नहीं आओगे मैं यहां से हिलूंगी भी नहीं। वो एक मिनट, वाहेगुरु जी कोई ना कोई रास्ता। जिद मत करो, जस्ट गो। देखो जिद्दी मैं भी हूं तो यहां मेरी जिद चलेगी, तुम जाओ। नहीं ना वाहेगुरु जी, कोई ना कोई रास्ता बताएंगे। एक मिनट में तो किन्नी, मेरी कसम है यहाँ मत आना। क्या ये गलत बात है आदित्य जी? आप आग के बीच में हो, आप अपनी कसम देके मुझे अपने पास आने से नहीं रोक सकते हो। गलत तो तब होता ना जब तुम्हें यहाँ आने से ना रोकते। तुम्हारे सिवा कौन है मेरे किन्नी? मुझ जैसे तो लाखों मिल जाएंगे, पर तुम एक ही हो गिन्नी। तुम ही तो जिसे मैं अपनी कसम दे सकता हूं, मेरी पहली कसम। इसे तोड़ना मत। जाओ जाओ। ठीक है आदित्य सिंह जी, पर अपनी इस कसम के बदले अपनी उल्टी खोपड़ी को कसम देके गारंटी देनी पड़ेगी आपको। आप यहां से बाहर निकलोगे दो कसम खाओ मेरी कसम। ठीक कसम, अब जाओ। नहीं कसम,
कसम पूरा करने का वचन भी लेना पड़ेगा। मैं वचन देता हूं गिन्नी, ये आग चाहे हमारी कितनी भी अपनी परीक्षा ले ले, अपनी कसम नहीं तोड़ूंगा। आदित्य जी क्या हुआ आपको? मैं ठीक हूँ गिन्नी। आदित्य जी क्या हुआ? मेरी बात सुनो, कुछ कहना है। बहुत प्रैक्टिस करने के बाद बोल नहीं पाया, अब बोलने दो। नहीं, आपको जो भी बातें बोलनी है ना, आप बाहर आके बोलना। पहले अपनी वचन, पहले अपना प्रॉमिस पूरा करो। मैं आपका वेट कर रही हूँ बाहर आदित्य जी। और अगर आप नहीं आए ना तो मैंने आपसे कट्टी हो जानी है। मैं जिंदगी भर बात नहीं करूंगी आपसे। हमेशा खुद बोलती रहोगी है, सुनोगी भी। पता है मेरे जैसा इंसान शायद सालों में एक बार ये बोलेगा। जब रब जी ने इंसान को बनाया था ना, तो वो एक पुतला था। फिर रब जी ने उस इंसान में जान फूंक दी। मेरी जान, मेरी जिंदगी तुम हो। आज मर भी गया तो गम नहीं। क्योंकि मैं तो कब का मर चुका था ना, तुमने दोबारा जिंदा कर दी। जिंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए गिन्नी। और तुम्हारे साथ बिताया हर पल एक उम्र की तरह। कोई और करता तो थैंक यू बोल देता, पर तुमसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि यार नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। वैसे तो मैं भी बहुत सारी बातें इकट्ठी करके रखी आदित्य जी, मैं भी आपको सब कुछ सुना सकती हूँ ना। आप कुछ भी बोलोगे ना, मैं आपके सर पे बैठ के आपको एक एक बात जबरदस्ती सुनाऊंगी। आपको सुनना पड़ेगा।